वहीं आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस सत्र की रणनीति को लेकर इस बैठक में बातचीत की गई है। सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारियां पूरी है और सरकार पर सवाल दागने को तैयार है विपक्ष। तो इस बार विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि इस बार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आपको बता दें, इसी को लेकर आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम विषयों पर बातचीत की गई और साथ ही रणनीति बनाई गई कि आखिर वो कौन से सवाल हो सकते हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होगा, और इसी को लेकर रणनीति बनी और साथ ही सभी विधायक दलों में बातचीत हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि किस तरीके से, जिस तरह से विधानसभा का सत्र है शुरू होना है और उसके पहले बैठक हुई, वो क्या अहम सवाल हो सकते हैं जिसको लेकर आज विपक्ष को घेर सकता है, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। देखिए, जिस तरह से कल कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा की गई कि जिस तरह से भाजपा के जो आक्रामक तेवर पिछले पखवाड़े भर से प्रदेश के अंदर दिख रहे हैं, वो लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है जो विपक्षी दल है भाजपा, तो जाहिर तौर पे इसे लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी पुख्ता करना चाहती है कि विधानसभा में किसी भी सवाल का हम जवाब बहुत अच्छे से दे सके। साथ ही जो कांग्रेस के जो विधायक है वो उन सवालों के जवाब में मंत्रियों के पक्ष में खड़े रहें, तो जाहिर तौर पे इसे लेकर पूरी चर्चा की गई है। यदि मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 30 तारीख तक चलेगा। तो इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होनी हैं। इन बैठकों में लगभग 718 सवाल जो हैं अभी फिलहाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आज विधानसभा के पहले दिन आज की कार्यवाही थोड़ी देर पहले शुरू हो जाएगी। इसमें जो दिवंगत जो विधायक हैं, जो सदस्य हैं विधानसभा के, उनको श्रद्धांजलि देने के साथ ही कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा आज ये संभावना ये भी जताई जा रही है कि विधानसभा के दौरान कि अनुपूरक बजट जो है सरकार पेश कर सकती है। तो तमाम चीजों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भाजपा जिस तरह से अपनी रणनीति पुख्ता तौर पे तैयार कर चुकी है, तो जाहिर तौर पे आज भी हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि आज ही जो है पूरे प्रदेश भर में भाजपा जो है आंदोलन कर रही है, किसान आंदोलन कर रही है कि किस तरह से खाद बीज की समस्या जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर बनी हुई है। तो जाहिर तौर पे आज इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में काफी गहमा गहमी रह सकती है, हंगामा भी हो सकता है। जी ठीक, कुलभूषण जी तमाम माफ कीजिएगा ओम प्रकाश जी, बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।